गति लेखन अभ्यास सात, 60 शब्द प्रति मिनट। उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस दल बदल प्रतिवेदन पर बोलने का मौका दिया। इसके बाद मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इस तरह की चर्चा की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आज हमारे देश में जो परिस्थिति पैदा हो रही है दल बदल के कारण, उसकी वजह से ना केवल हर राजनैतिक पार्टी को बल्कि हर एक को बड़े असमंजस में पड़ जाना पड़ता है। देश की जनता को प्रजातंत्र के ऊपर जो एक बड़ी आस्था थी, जो एक बड़ा विश्वास था, वह भी आज यह देखने लगी है कि जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी के आदमी को चुनकर हम भेजते हैं, जिन सिद्धांतों के ऊपर वह हमसे वोट लेता है, जिस चीज पर वह वचनबद्ध होता है, जिस सिंबल को दिखाकर हमसे वोट लेता है, वह बाद में चुन लिए जाने के बाद अपने सिद्धांतों को, अपनी आस्था को, अपने नियमों को और अपने सिंबल की कोई परवाह नहीं करता है और अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकता है या दूसरी पार्टी बदल लेता है। तो यह बात हमारे जनतंत्र के लिए न केवल अशोभनीय है बल्कि एक अत्यंत दुखद घटना है। इस बात पर हम तुरंत ध्यान दें। जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा और मैं भी इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि जहाँ इस बात के लिए दूसरी पार्टियाँ जिम्मेदार हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। सच्चाई को हमेशा कबूल कर लेना चाहिए और अपनी खामियों को मान लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं इस बात को मानती हूँ कि कांग्रेस में भी कुछ खामियां हैं और हमने भी कुछ गलतियां की हैं। समाज में जिस तरह के व्यक्ति होते हैं, उन्हीं में से हर पार्टी में व्यक्ति चुनकर आते हैं, वही नुमाइंदे आते हैं। इस तरह की कमजोरी चाहे कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे दूसरी पार्टी में हो, इस तरह की कमजोरी हर पार्टी के व्यक्ति के अंदर है। इन कमजोरियों की वजह से अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी पर दोषारोपण
करती है, तो यह अनुचित ही है।